तू कहाँ पर है? हाँ हाँ, मैं मंडी आया हूँ रवि को लेके। अबे तुम पकड़ने काम आएगा यार, चलता बहुत है बेचारा। सही है साजिद भैया, कहाँ ले आए हो हमें? अबे क्या पूछ पा रहा है? अबे तेरा कोई नहीं होगा यहाँ पे, रिलैक्स हो जा। अरे माता जी, अरे अरे हाँ साथ में वो भी खड़े हैं पिताजी, जाओ छुड़ो उनके चरण। जब गाफ पे लात मारेंगे ना तब बाहर आएगा माता पिता। गाफ क्या? अरे गला यार, गला। हाँ भाई कौन है यहाँ पे? साजिद भैया देखो हम क्या बोल रहे हैं, छोड़ो ना, कर लो इस बार मुर्गी जबा, पैसे बचेंगे तुम्हारे। क्या पैसे? बेटा हमारे फर्ज के सामने ये पैसे वैसे कोई वैल्यू नहीं है। ये तो दुम्बा बीच में आ गया, वरना अल्लाह के नाम पे तो हम अपने गले पे छुरी फेरने के लिए हर वक्त रेडी रहते हैं। हाँ भाई बताओ कौन सा वाला चीर दूं तुम्हारे लिए, जल्दी से बता दो। कैसी अपमान तलब बातें कर रहा है ये? अबे तू चुप रह यार, भाई साहब हल्का अदरक यार, जबान भी, ये मेरा हिंदू दोस्त है, घबराता है। हिंदू हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या बोलते हैं मियां भाई, कौन सी बच्चिया काटोगे जल्दी से बता दो। वैसे बच्ची का गोश्त जो होता है ना बड़ा टेस्टी होता है भाई, इनको रोको, क्या बोल रहे हैं ये? अरे आप तो हमारे हिंदू भाई हैं, आप कहें तो मैं अपने घर से नल्ली बिरयानी, मगज पाए और कपूरे बनवा के लेकर आ जाओ। एकदम रुको कीजिए बस, कैसी अजीब कलम बातें कर रहा है ये? अरे भाई इतनी ड्रोनी ड्रोनी बातें क्यों कर रहे हो हमसे? अरे भैया हम आपको बता रहे हैं ना, हमारे धर्म में ये कुर्बानी उर्बानी का रिवाज नहीं है। अरे गोश्त नहीं खाते तो कोई बड़े मसले की बात नहीं मेरे प्यारे भाई, आप कहें तो मैं अपने घर से 5-6 किस्म की सब्जियां बना के लेकर आया हूं आपके लिए। मेरे बहुत से दोस्त हिंदू हैं, मैं सबका ख्याल रखता हूं, और कुछ तो मेरे हिंदू दोस्त छुप छुप के गोश्त भी खाते हैं, होता है इतना टेस्टी है। अरे हरामी है साले, अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं वो। खैर है यार, कुछ नहीं होता, क्या अच्छी बात किया हमने यार। बस पार्टी देख रहा खड़ी हुई, हाँ हाँ, और टीके वाला, हाँ हाँ, हिंदू है साला, हाँ देख रहा हूँ। हमारे जानवर नपाक करने आया है, इसका हमारा क्या जोड़? ओए जरा। जी भाई कैसा? ठीक हूँ। ये कैसा? तो मुझे इससे मोहब्बत है, चल छोड़, मेरे तो ये दोस्त है बचपन का, ये जब व्यापारी खड़ा था ना इससे पहली बार मिल रहा है, जब वो उससे इतनी मोहब्बत कर रहा है हिंदू होने पे, खुद मुस्लिम हो के वो उससे हंसी मजाक कर रहा है, प्यार से बात कर रहा है, अपने घर से खाने पकवा के भेजने की बातें कर रहा है, वो कह रहा है गोश्त नहीं खाते कोई बात नहीं सब्ज़ी भेजूँगा 5 किस्म की, पर मोहब्बत करूँगा, जब वो इतनी अच्छी बातें कर रहा है और ये हिंदू हो के अपने मिजाज के खिलाफ, अपने अकीदे के खिलाफ जाके मेरे साथ काव मंडी आके मेरी गायें खरीदने में मेरी मदद कर रहा है, मेरी मोहब्बत में या एक मुसलमान की मोहब्बत में, तो तू कौन ऐसे बुरा बोलने वाला है? जो हंसी मजाक करते हैं ना आपस में, एक दूसरे को छेड़ते हैं, टॉन्ट करते हैं मज़हब के ऊपर या चीज़ों के ऊपर, ये मोहब्बत में करते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं, ये मुझसे नफरत करता है, ये बात समझ में। तो एक काम कर, जाके अपने नमाज की फिक्र कर, समझा? तो फो यहाँ से। सॉरी यार अभी उसकी बातों को बुरा नहीं मानना, होते हैं तो वैसे। अरे नहीं साजिद भैया, आई लव यू सो मच यार, ये तो शक्ल से ही हरामी लग रहा है, ये तो वो मुसलमान है जो अपने मुसलमान भाइयों को चलते फिरते काफिर बोलता है। खैर भैया कौन सा पसंद आया? तू क्या? अरे तू पसंद करेगा इस बार, तू पसंद अच्छा। करेगा भाई, बता कौन सा अच्छा है? तो साजिद भैया अगर हमारी मानो तो हमें ये सही लग रहे हैं, ये हाँ ये पिताजी भाई, हाँ व्यापारी, हाँ भाई फाइनल कर दे काला वाला। हाँ तो अभी काट देते, इसमें क्या बड़ी बात है भाई, अभी नहीं काटना, कल ईद है। अरे मैं रस्सी की बात कर रहा हूँ मेरे प्यारे भाई। हाँ भाई साजिद भैया, हम ये कह रहे थे कि ये जो महाशय आपने लिए है ना, इनको जरा आराम से वो कीजिएगा। हाँ टेंशन लो, आराम से। कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है साजिद भैया कि आपके साथ रह रहे के कहीं हम भी मुसलमान ना हो जाएं। ओए हाँ कैंची ले गया? क्यों कैंची नहीं है, कुल्हाड़ा चलेगा।